तरंग तरंग युवा तरंग बढ़ते जाए तबों की राह में, दीप जलाए तबों की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, हर्ष मनाए मंदिर जाए, उस हृदय से हम अपनाए, गाए नूतन गान सभी हम उसके आगे शीश नवाए, जीवन बिताए प्रभु की राह में, प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, गुरु के वचनों से आसमान महकता है, पावन जैसे ही जीवन भी खिल उठता है, गुरु के वचनों से आसमान महकता है, पावन जैसे ही जीवन भी खिल उठता है, प्रभु है पालक वो ही जीवन दाता, वो ही सबका गुरुवर, भक्ति प्रेम का सागर, भजते जाए प्रभु की राह में, बढ़ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। सभी युवा भाई बहनों को जय सु, आपका स्वागत है इस युवा तरंग कार्यक्रम में, और विशेष करके आज के दिन जब आप लोग दोस्ती पर मनन चिंतन करते हैं। इस दुनिया में हम कई लोगों से दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि हर दोस्ती हमारे विकास की ओर हमें ले चले, ना कि विनाश की ओर। जो दोस्ती हमें विनाश की ओर ले जाती है वो दोस्ती नहीं है बल्कि दुश्मनी है, बल्कि जो हमें पवित्रता और विकास की ओर ले जाती है वो दोस्ती दोस्ती है। इसलिए आज के दिन इस पर मनन करेंगे और हम प्रभु को धन्यवाद देंगे जीवन के वरदान के लिए कि प्रभु ने आपको शरीर दिया है, मन दिया है, हृदय दिया है, धन्यवाद दीजिए। प्रेम करने की शक्ति दी है, धन्यवाद दीजिए। बहुत सारे लोगों के प्यार का आपको एहसास हुआ है, इसके लिए धन्यवाद दीजिए। और आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सबको सुरक्षित रख। आज संसार भर के सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको इस युवावस्था को गंभीरतापूर्वक लेने की कृपा दीजिए, इस युवावस्था में इस तरह जीवन न बिताएं कि उनका भविष्य ना हो। इसके लिए हम लोग विशेष प्रार्थना करेंगे। आज वचन सुनेंगे और हृदय खोलकर वचन सुनकर उस वचन को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करेंगे। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, विशेष करके मेरे युवा साथियों, आप सबको जय यीशु। मुझे अच्छा लगता है फिर से आप लोगों से बातें करने के लिए। मैं समझता हूँ कि आप लोग खुश हैं, अच्छे हैं, और विशेष करके आज का जो दिन है वैलेंटाइंस डे है, और मुझे लगता है आप सब लोग बहुत ही खुश हैं। क्या आप वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किए? क्या इसके बारे में आप कुछ जानते हैं? वैलेंटाइंस डे के बारे में इसका इतिहास क्या है, कहाँ से ये फेस्टिवल आया है, इसके बारे में आप जानते हैं? मुझे लगता है हम लोगों में से बहुत कम लोगों को पता है सच्चाई क्या है। अगर हम इतिहास को देखेंगे तो रोम में एम्परर क्लाउडियस द्वितीय के समय में युद्ध छिड़ जाता है,
और उनको सैनिकों की जरूरत होता है, और इसीलिए वे अच्छे सैनिकों की सिलेक्शन में लग जाते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि जितने भी लोग शादीशुदा है और जितने भी लोगों का एंगेजमेंट हुआ है, उनका मन युद्ध में नहीं लगता, वो अच्छा से लड़ाई नहीं कर पाते। और यही कारण है कि एम्परर क्लाउडियस द्वितीय ने शादी और एंगेजमेंट की रोक लगा दी, यानी किसी भी पुरुष को शादी नहीं करना है युद्ध के लिए, एक अच्छा सैनिक बनना है। और यह सब देखने के बाद वहां पर एक पुरोहित था, कैथोलिक प्रीस्ट, जिनका नाम वैलेंटाइन, उनको लगा कि यह जो हो रहा है गलत हो रहा है, इसलिए वो चुप चुप के शादी कराता था। और जब उस एम्परर को पता चला कि यह जो वैलेंटाइन है यह चुप चुप के शादी करा रहा है, तो उनका बंदी बना लेते हैं, बंदी गृह में डाल देते हैं। और कहा जाता है कि उस बंदी गृह का जो जेलर था, उनकी बेटी अंधी थी, और उस जेलर ने वैलेंटाइन से कहा कि उनकी बेटी अंधी है और वैलेंटाइन को वो मिलने जाती है। जब फादर वैलेंटाइन उनके लिए प्रार्थना करते हैं, स्पर्श करते हैं उनके आँखों को, तो वो फिर से देखने लगती है। और ऐसा होता है कि वो जो लड़की है उनको चाहती है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनका जो प्यार था वो गलत था, क्योंकि वैलेंटाइन जो है एक पुरोहित था, एक याजक था। तो वो उस लड़की से एक पत्र लिखता है उनकी मृत्यु होने से पहले, और उस पत्र के अंत में वो लिखता है फ्रॉम योर वैलेंटाइन, और उसमें से ये प्रसिद्ध है, और उनका कत्ल कर दिया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है, उसका और एक दूसरा रूप है, कि जज आस्टेरियस की बेटी अंधी थी, और उस जज ने कहा यदि तुम मेरी बेटी को दृष्टिदान दोगे, फिर से वो देख सकेगी, तो तुम जाए जो मांगो मैं वही करूँगा। और वैलेंटाइन प्रार्थना करते हैं और उनकी दृष्टि वापस आ जाती है। और हम देखते हैं कि रोम में और एक जो इतिहास है, रोम में एक फेस्टिवल होता था, वो फेस्टिवल का नाम क्या है, लुपरकालिया। और इस फेस्टिवल में स्त्री पुरुष मिलते थे, लड़के लड़कियाँ मिलते थे, और उनका गलत संबंध होता था, नाचते थे और पशुओं का बलि चढ़ाते थे। सच्चाई क्या है हमें नहीं पता। और ये जो गलत फेस्टिवल था, इसकी रोक लगाने के लिए पोप गैलेशियस ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन्स डे घोषित किया। और उसी समय से लेकर हम देखते हैं कि वैलेंटाइन्स डे मनाया जाता है, और ये हमारे देश का नहीं है। और हम देखते हैं कि जवान लड़के लड़कियां कोई चॉकलेट भेजता है, कोई फूल भेजता है, पता नहीं किस किस तरह सेलिब्रेशन करते हैं, और इसका मतलब क्या है, और जो पुरोहित वैलेंटाइन थे वो चाहते क्या थे, उनके दिल में क्या था, किसी को भी नहीं पता। जब लोगों को पता चला कि वो जो लिखे थे पत्र, उसमें वे लिखे थे फ्रॉम योर वैलेंटाइन, और ये गलत रूप ले लिया, एक रोमांस का रूप ले लिया, एक जवान युवक युवतियों के बीच में एक गंदे रिश्ते का रूप ले लिया, और ये विदेश का ये जो गंदी आदतें हैं, गंदी कल्चर है, गंदी रिश्ता है, हमारे देश में भी आ गया। मेरे प्यारे मित्रों, हमारा देश का कल्चर अलग है, हमारा देश का भाषा अलग है, हमारा देश का रिश्ता अलग है। वैलेंटाइन्स डे मनाते हैं कहाँ, हम देखते हैं हमारे जवान युवक युवतियाँ, वे लोग ओयो में जाते हैं, होटलों में जाते हैं, मिलने के लिए जाते हैं, अकेले में मिलने के लिए जाते हैं, शराब पीने के लिए जाते हैं, बार में जाते हैं। क्या वैलेंटाइन्स डे इसके लिए है? क्या इसका मतलब यही है? कुछ भी करते हैं, अपने हदें पार कर देते हैं, क्या वैलेंटाइन्स का मतलब यही है? क्या हमारा ये कल्चर है? हमारे देश में ऐसा होता है? क्या हमारे देश के लोग ओयो में जाते हैं, हमारे देश के लोग बार में जाते हैं, हमारे देश के लोग होटलों में मिलने जाते हैं? यह हमारी प्रथा नहीं है, यह हमारी कल्चर नहीं है। ये जो प्रथा है, ये जो कल्चर है, विदेश का है, हमारा देश का नहीं है। हमारे देश का संस्कृति नहीं है, हमारे देश का कल्चर नहीं है। हमारा देश का कल्चर क्या है? हमारा देश का कल्चर है अच्छी संस्कृति।
बेटा बेटी जब जवान हो जाते हैं, शादीशुदा के लायक हो जाते हैं, मम्मी पापा देखते हैं, अपने लड़के के लिए लड़की का खोज मम्मी पापा करते हैं। बाइबल बताती है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3:2 में, पुत्र पिता की बात सुनो, उसकी बात सुनने में तुम्हारा कल्याण है। लेकिन आज का दुनिया ऐसा हो गया है कि पिता को पुत्र की बात सुनना पड़ता है, बच्चे जो करते हैं मम्मी पापा को मानना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो अपने आप को कहलाते हैं आधुनिक जमाने के हैं। विदेशी संस्कृति को आज हम अपने देश में निमंत्रण दिए और हमारे देश में विदेशी संस्कृति का उपलब्ध है, वे लोग जैसे कर रहे हैं हम उनका अनुकरण करते हैं, और आज देख रहे हैं विदेशी संस्कृति किस तरह नष्ट हो गया है, विदेश का हालत कैसा हो गया है, अलग देशों का हालत कैसा हो गया है, उनका रिश्ता कैसा है, लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उनका हमको अनुकरण नहीं करना है। बाइबल इसके बारे में क्या बताती है, विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 12:30 में बाइबल बताती है, सावधान रहो कि तुम्हारे सामने उनके विनाश के बाद तुम उनका अनुकरण करते हुए फंदे में ना फंस जाओ। यानी उनका विनाश हो गया है, अगर हम उनका अनुकरण करेंगे तो हमारा भी विनाश होगा, हमारा भी विनाश होगा। ये दोस्ती कैसा दोस्ती है, कैसा दोस्ती है, कैसा रिश्ता है। हमारा भारत का कल्चर में इतिहास उठा के देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं था। अभी ये सब नया नया कहां से आया, कहां से आया, कितने पैसा खर्च करते हैं, ना जाने कहां कहां जाते हैं, ना जाने कितने कितने दिनों तक मिलकर रहते हैं बिना शादीशुदा के। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वैलेंटाइंस डे का मतलब यही है? क्या वैलेंटाइंस डे का मतलब यही है? यह नहीं है। वैलेंटाइंस डे का मतलब यह है कि अपने जेनरेशन को आगे बढ़ाना है, अपने पत्नी पति को प्यार करेगी, पति पत्नी को प्यार करेगा, यही मकसद था सेंट वैलेंटाइन का। इसलिए वो चुप चुप के शादी करा रहे थे ताकि उनका जेनरेशन बढ़े, पति पत्नी में प्रेम हो, पति पत्नी बच्चों को प्यार करे, उनका जनरेशन में पवित्रता है। यानी एक पवित्र रिश्ता है, एक पवित्र रिश्ता है, लेकिन आज यह दूसरा मोड़ की ओर चल रहा है। जवान लड़के लड़कियां कुछ भी करते हैं और मान लेते हैं चलता है, कोई नहीं जो भी करेंगे चलता है। ऐसा चलता है? बाइबल क्या बताती है? कुछ भी कर लेते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। एक विश्वासी कुछ भी नहीं कर सकता, एक प्रभु के अनुकरण करने वाला, प्रभु की अनुकरण करने वाला, प्रभु के मार्ग पर चलने वाला कुछ भी नहीं कर सकता, अपने शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। मैं समझता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6:19-20 में प्रभु का वचन कहता है, संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो तुम में निवास करता है, और यह शरीर जो है तुम्हारा नहीं है, यह खरीदा गया है, इसलिए तुम अपने शरीर में उस महान ईश्वर की महिमा करोगे। हमारा शरीर ईश्वर की महिमा के लिए है, ईश्वर की महिमा के लिए है। वैलेंटाइंस डे को लोग कहते हैं प्रपोज करने का डे, प्रपोज करते हैं, फूल देते हैं, ना जाने क्या क्या करते हैं, और कहते हैं कि यह प्यार है, प्यार है, प्यार को इजहार करने का दिन है। प्यार क्या है? प्यार को आप क्या समझ के रखें? हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 में, उसमें प्रेम के बारे में बताया गया है। अध्याय 13:4-7 तक प्रभु का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। प्रेम सहनशील और दयालु है, प्रेम ना तो ईर्ष्या करता है, ना डींग मारता, ना घमंड करता है, वो अपना स्वार्थ नहीं खोजता। प्रेम ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है, वो दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वो सब कुछ ढक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता और सब कुछ सह लेता है। यही प्रेम है, यही प्रेम है। एक सच्चा प्रेम यह नहीं है कि हम दूसरों का गलत इस्तेमाल करें, सच्चा प्रेम यह नहीं कि हम अवयवों में जाएं, सच्चा प्रेम यह नहीं है कि हम होटलों में जाएं, सच्चा प्रेम यह नहीं है कि हम बाहर में जाएं, सच्चा प्रेम यह नहीं है कि हम छुप छुप के मिले, सच्चा प्रेम यह नहीं है कि हम सामने वालों का विनाश करें, सच्चा प्रेम यह नहीं है कि हम गलत रिश्ता बनाएं,
सच्चा प्रेम यह है कि हम दूसरों का विकास के बारे में सोचें, दूसरों की पवित्रता के बारे में सोचें, खुद की पवित्रता के बारे में सोचें, पवित्र रिश्ता के बारे में सोचें। यही प्रेम है, यही प्रेम है। अगर हमारे वजह से किसी का विनाश हो रहा है, अगर हम किसी को गलत मार्ग पर ले रहे हैं, तो ये सच्चा प्रेम नहीं है, यह गलत है, यह गलत है। और मेरे हिसाब से जो वैलेंटाइंस डे है गलत है, सेलिब्रेशन उनका जो हमारा जो सोच विचार है वो गलत है, और यह हमारे देश की संस्कृति नहीं है, हमारे देश की कल्चर नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को देख लीजिए, आज अपने आप को देख लीजिए, आपका रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है, आपका रिश्ता एक दूसरे के साथ कैसा है। ये वैलेंटाइंस डे क्या आप विदेशों से सीखकर इसको मान रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं इसके बारे में? मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को देख लीजिए, अगर आप इस गलत मार्ग पर भटक रहे हैं तो अपने आप को सुधार लीजिए, अपने आप को सुधार लीजिए। वैलेंटाइंस डे जो है ये प्रेम का दिन है, एक दूसरे को प्रेम करना, पवित्र प्रेम। हम पढ़ते हैं यौन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। ईश्वर ने हमें प्रेम किया है, और वो प्रभु हमें बताता है कि एक दूसरे को प्यार करो। कैसे प्यार करें? हम पढ़ते हैं मरकुस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 31 में, प्रभु यीशु कहते हैं, तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यानी हम दूसरों को अपने समान प्यार करें, दूसरों का इस्तेमाल ना करें, बल्कि दूसरों को अपने समान प्यार करें। जिस तरह हम खुद का देखभाल करते हैं, ख्याल रखते हैं, उसी तरह दूसरों का करें। यही है सच्चा प्रेम, यही है वैलेंटाइंस डे का मतलब, पूर्ण कमिटमेंट, बिना स्वार्थ के, बिना कुछ लालच के उद्देश्य रख के। जब हम दूसरों को प्यार करें, दूसरों की भलाई चाहे, दूसरों को पवित्र मार्ग में आगे बढ़ाने के लिए चाहे, यही है इसका सही जो पर्पस, यही है इसका मकसद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने आप को देख लीजिए, आपका रिश्ता कैसा है, क्या आप गलत तरीके से इस वैलेंटाइंस डे को लिए हैं अपने जीवन में, क्या गलत तरीके से इसका आप सेलिब्रेशन करते हैं? तो अपने आप को देख लीजिए, अगर गलत है तो कृपया इसे दूर रही है, इसे दूर रहना जरूरी है। वापस आ जाइए, एक नए ज़िंदगी का शुरुआत कीजिए। मुझे लगता है आज प्रभु हम लोगों को एक नए ज़िंदगी का शुरुआत करने के लिए मौका दे रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में अगर ऐसा है तो आज से एक निर्णय लीजिए, एक दृढ़ संकल्प लीजिए, एक नई जिंदगी का शुरुआत करने के लिए, पवित्र जिंदगी का शुरुआत करने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस पवित्र दिन के लिए। हम सभी युवा भाई बहनों को तेरे चरण में लाते हैं प्रभु। प्रभु, जितने भी युवा भाई बहन हैं, अपनी दोस्ती को पवित्र बनाए रखें, उसका गलत इस्तेमाल ना करें, बल्कि पवित्र बनाए रखें और एक दूसरे का काम में आए, एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचे, ना कि एक दूसरे की बुराई, ताकि एक दिन वे स्वर्ग राज्य के लायक बने, तेरे लायक बने, अपने जीवन में खुशी पाएं और हमेशा सत्य के पथ में अच्छे मार्ग पर चलते रहें, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। संसार भर के सभी युवाओं के लिए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। आधुनिक युवा प्रेम की खोज में, प्यार की खोज में ना जाने कहां कहां पहुंच जाते हैं। प्यार के अभाव में, प्यार की खोज में ना जाने कैसे कैसे बर्बाद होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु सभी युवाओं के लिए कि उनको बचा के रखना, उनको इस बात को जानने की कृपा देना कि यह जीवन की तैयारी का समय है। युवावस्था को गंभीरता पूर्वक लेकर, युवावस्था के द्वारा जितना भी अच्छा परिश्रम हो सकता है वो करने के लिए कृपा देना। हम इस समय प्रार्थना करते हैं युवक युवतियों के लिए, उनको बचा के रखना हर प्रकार के प्रलोभन से, अश्लीलता से बचा के रखना, गंदी आदतों से बचा के रखना, गंदे रिश्तों से बचा के रखना, लालच से बचा के रखना, नशे से बचा के रखना। प्रभु यीशु, विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ इन सभी छोटे भाई बहनों के लिए जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, उन्हें इन सारी बातों से बचा के रखना। तू मुक्तिदाता है, बचाना यीशु, बचाना।
सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जयसु। धन्य प्रभु का चयन, उसने चुना हमें अपने लिए, उसका कार्य है प्रेम और है ममता हमारे लिए। धन्य प्रभु का चयन, उसने चुना हमें अपने लिए, उसका कार्य है प्रेम और है ममता हमारे लिए। प्रभु है पालक वो ही जीवन दाता, वो ही सबका गुरुवर, भक्ति और प्रेम का सागर, भजते जाए प्रभु की राह में, भजते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, भजते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में। हर्ष मनाए मंदिर जाए, उस हृदय से हम अपनाए, गाए नूतन गान सभी उसके आगे, शेष नवाए जीवन बिताए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, ते जाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह में, दीप जलाए प्रभु की राह।